प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप योग करें, योग को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। इसी क्रम में मैं आज आपको एक प्राणायाम और एक योगाभ्यास करके दिखाऊंगा। आप उसे करने की घर पर कोशिश करें और भी मुद्राएं आप सीखें और उन्हें डेली अभ्यास करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे अच्छा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत ही अधिक फायदे एक विद्यार्थी को होते हैं, क्योंकि उससे उसका मानसिक विकास होता है, उसे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिससे आप अपनी कार्यकुशलता को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो ये नॉस्ट्रिल है उसमें से एक साइड का पहले आप उसको दबा कर रखें और दूसरे नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ सांस लें। उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से उसे धीरे धीरे छोड़ दें। जिस नॉस्ट्रिल से आपने सांस ली है उससे दूसरे नॉस्ट्रिल से आपको सांस छोड़ ली है। एक बार फिर करते हैं इसी क्रम के द्वारा। इस प्राणायाम को आपको रोज़ाना 10 से 20 बार करना है। ज़्यादा करेंगे तो इसका और भी ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसको घर पे अभ्यास करेंगे। अब हम दूसरा एक योग आपको सिखा रहे हैं। इस योग का नाम है ऊर्ध्वमुख श्वासासन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, उसके बाद अपने दोनों पंजों को छाती के बराबर में रखेंगे और फिर इन पंजों के बल पर धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और ये सारा वजन आपका अपने पंजों पर ही रहेगा। फिर आपको अपनी गर्दन ऊंचे करते हुए और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ ले जाना है और जितना हो सके गर्दन को पीछे की तरफ और शरीर को आगे की तरफ खींचना। इस मुद्रा को आपको 10 से 20 सेकंड तक रखना है और जांघों को भी ऊपर की तरफ खींचना है। ये योग बहुत ही लाभदायक है आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। अब धीरे धीरे आपको अपनी पहली मुद्रा में आना है और कुछ देर उसी अवस्था में आराम करना है। बच्चों,
योग के बहुत ही अधिक लाभ होते हैं। अगर आप रोज इसे करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको दोनों अभ्यास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका प्रयास और अभ्यास करेंगे, मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ।